भाइयों और बहनों, 4 जून में अब सिर्फ 17 दिन बचे हैं। 4 चरणों के चुनाव में कांग्रेस और इंडी गठबंधन, ये उनके सारे साथी सारे दल 4 चरण में चारों खाने चित्त हो चुके हैं। इंडी वालों ने देश के खिलाफ जो भी दांव पेच चले थे उन्हें चुनाव के मैदान में जनता जनार्दन ने खुद पटकनी दे दी है। और हरियाणा तो वो राज्य है जिसकी रगों में देशभक्ति है। देश विरोधी ताकतों को हरियाणा अच्छी तरह जानता है, पहचानता है, और इसलिए हरियाणा का गांव गांव, घर घर एक ही आवाज में बोल रहा है, फिर एक बार। साथियों, जब देश में एक धाकड़ सरकार होती है तो दुश्मन भी कुछ करने से पहले 100 बार सोचता है। आज आप देखिए, जो पाकिस्तान 70 सालों से भारत को परेशान कर रहा था, जिसके हाथ में बम का गोला रहता था, आज उसके हाथ में भीख का कटोरा है। जब धाकड़ सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन कांपता है। साथियों, क्या कोई कमजोर सरकार जम्मू कश्मीर में हालात बदल सकती थी? जम्मू कश्मीर में हालात बदल सकती थी? वो जमाना याद करिए जब कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा की वीर माताएं दिन रात चिंता में रहती थी कब किसी आतंकी का गोला फट जाए, कब किसी पत्थर से हमारे फौजियों का सिर फट जाए। और आज 10 साल हो गए, सब कुछ बंद हो गया कि नहीं हो गया?